अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ट्रैवल मैनर्स जो हमारा लेसन है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको ट्रैवल मैनर्स मतलब क्या क्या पता है? आपको ट्रैवल मैनर्स मतलब आपको सुन के क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? मतलब कि क्या मतलब होगा, क्या है? फैमिली के साथ घूमने जाना। घूमने जाना। ओके, तो घूमने जाना मतलब ट्रैवल मैनर्स है ना। ट्रैवल मतलब क्या होता है? बस रिक्शा गाड़ी। ट्रैवल मतलब क्या होता है? ट्रैवल मतलब सफर। जब हम हमारे घर से कहीं और घूमने के लिए जाते हैं, यानी कि गार्डन जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम जो जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? सफर है ना वो, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रैवल। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हम सफर कर रहे हैं, है ना। हम घर से स्कूल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। घर से हम गार्डन जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो ट्रैवल मतलब क्या? सफर। वेरी गुड। ट्रैवल मतलब सफर। और मैनर्स मतलब? मैनर्स मतलब जैसे आप आपके घर पे कोई बड़े आते हैं, तो आप वो जब आते हैं तो सलाम करते हैं ना। सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, उनका घर में इस्तकबाल करते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? मैनर्स, है ना। अब मैनर्स तो अलग अलग टाइप के भी होते हैं, दो टाइप के मैनर्स होते हैं। मैनर्स मतलब क्या समझ आया आपको? मैनर्स मतलब आदाब, किसी को वेलकम करना, किसी को अच्छे से किसी के साथ अच्छे से बिहेव करना, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनर्स। आप कैसे उनको जब आते हैं तब सलाम करते हो, उनका इस्तकबाल अपने घर में कैसे करते हो, तो वो आपके, अगर आप वो आपके बड़े आ रहे हैं आप उनको सलाम कर रहे हो, यानी कि आपके जो है मैनर्स गुड है ना। लेकिन अगर आप आ रहे हो कोई आपकी फ्रेंड कभी आपसे कोई पेन मांग रही है, कोई पेंसिल मांग रही है, आप उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, रूड से बात कर रहे हो, मैं नहीं दूंगी, इस तरीके से बोल रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बैड मैनर्स। ऐसे करने चाहिए क्या? नहीं, पोलाइटली हम बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, नहीं मुझे भी लिखना है इससे, है ना। आप अपनी फ्रेंड को कैसे बोल सकते हो? नहीं मुझे भी इस पेंसिल से लिखना है, मैं जब मेरा हो जाएगा तब तुझे दे दूंगी, या ये मैं अभी लिख रही हूँ, मैं इसके बाद दे दूंगी, ऐसे बोल सकते हो ना आप? या इस तरीके से मैं नहीं दूंगी, झिड़काएंगे, तो अच्छी बात है क्या? नहीं। अच्छे मैनर्स है? नहीं। तो वैसे ही हम क्या देखने वाले हैं? ट्रैवल मैनर्स कैसे होते हैं? ये तो आप ये आप जब ट्रैवल करते हो, आप जब बस में जाते हो, स्कूल जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, तो आपके जब आप जब ट्रैवल कर रहे हो वहां पे आप कौन से मैनर्स यूज कर रहे हो, कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम ट्रैवल मैनर्स। ठीक है, जैसे अभी आप सपोज बस में जा रहे हो, आप बैठे हो बस में, अगर कोई एल्डर रुका है, यानी कि ज़ईफ इंसान रुका है, तो आप क्या करोगे? वेरी गुड। तो उनको बैठने देना चाहिए ना, कि वो क्योंकि वो ज़ईफ है ना। अगर आप ऐसे ही करोगे, नहीं बैठने दोगे, या मतलब वो अगर आपसे पूछते हैं कि ना सीट मुझे बैठने के लिए मिल सकता है क्या, अगर आपके बाजू में सीट खाली हो तो आप उधर साइड हटोगे या नहीं मुझे यही बैठना है, ऐसे बोलोगे? तो अगर आप वहाँ उधर साइड हट जाते हो, उनको बैठने के लिए सीट देते हो, तो ये क्या हो गया? गुड मैनर्स, अच्छे आदाब। लेकिन आप नहीं मैं यही पे बैठूंगी, आप जाइए वहां से, तो दिस इज कॉल्ड बैड मैनर्स। ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। और अगर कभी हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में किस चीज ने सफर किया है? किसने किसने किया है? अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? आप कैसे गए? आप किसके किसके साथ गए थे? आपका एक्सपीरियंस बताओ, आप कैसे गए थे? अब्बा के साथ गए थे। आपने कुछ खाने को लिया था वहाँ पे साथ में? क्या क्या खाने को लिया था, याद है आपको? बिस्किट। ओ, और तो फिर आपने वहाँ पे ये सब खाने को लिया था, आपको अच्छा लगा सफर करके? हाँ। आप कहाँ गए थे? हम बस में जा सकते हो आप? अच्छा, गाँव गए थे आप? ओके, कैसे गए थे आप?
ट्रेन से। ट्रेन से गए थे। वेरी गुड, कैसा मजा आया आपको ट्रेन में? और कौन कौन गया था? मैं, मेरे बड़ा मैं और मेरे भाई। ओ, तो आपको अच्छा लगा ट्रेन में सफर करके? हम स्कूल बस में भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना? और जब आप अगर कभी ट्रेन में जा रहे हो, कभी बस में जा रहे हो, कभी ऑटो में जा रहे हो, तो आप सपोज कुछ खा रहे हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, वेफर्स खा रहे हो, तो उसका कचरा कैसे फेंकेंगे आप? डस्टबिन में डस्टबिन अगर ऑटो में नहीं है तो क्या करेंगे? अपने डस्टबिन अगर पास बस में नहीं रखूंगी, है, ट्रेन में नहीं है, अपने बैग अपने में बैग में रखूंगी। वेरी गुड, तो उसको अपने पास रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही फेंकेंगे तो वो कचरा हो जाएगा ना। अगर सभी वैसे फेंकने लगे तो ऑटो ऑटो में पूरा कचरा हो जाएगा, बस में कचरा हो जाएगा। बस में डस्टबिन होता है, कोई कोई बस में नहीं होता है। तो आप अगर आपका कुछ वेस्टेज है, कुछ ट्रैश है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर डस्टबिन मौजूद है तो उसमें डाल सकते हो, और अगर नहीं है तो अपने पास रख के फिर घर पे जब जा रहे हो आप, या कोई रास्ते में आपको डस्टबिन दिखता है उसमें डाल सकते हो, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर बस में या ऑटो में, ट्रेन में, कोई भी वैन में, स्कूल बस में कुछ कचरा पड़ा है, तो आप उसको क्या करेंगे? वैसे ही पड़ने उठा देंगे? के डस्टबिन में डस्टबिन में डालेंगे। हाँ, तो आपको उठा के डालना चाहिए ना डस्टबिन में। वेरी गुड, आप डालते हो, आप डालते हो, आपको पता है ये, तो आपने डालना चाहिए ना, है ना? अगर आपको कोई सपोज कचरा दिख जाता हाँ। है हमारे कभी बस क्लास में, में ना बहुत बहुत कचरा रहता था, कचरा, पूरा मोटा मोटा कचरा उठा के पूरा डस्टबिन वेरी गुड। तो इसी तरीके से अगर आपके क्लासरूम में होता है, घर में होता है, कोई बस में, ट्रेन में, जहां से हम जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर नजदीक डस्टबिन है, उठा के उस डस्टबिन में डाल सकते हैं ना। तो ये क्या होंगे? हमारे गुड मैनर्स होंगे जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम घर पे भी होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर अच्छे मैनर्स पैदा कर सकते हैं, क्लीनलीनेस हो सकता है। जब कोई बड़ा रुका है या बस रुका है, तो हम जब बात करते हैं तो पोलाइट तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर कोई पेंसिल मांग रहा है आपसे, तो उसको आप पोलाइट तरीके से बोल सकते हो, मैं अभी लिख रही हूँ, मैं इसके बाद दे दूंगी, है ना? करेंगे आप लोग? आपको सब पता था, आपने ही बोला सब। लेकिन आप जब ये चीजें होंगी, जब कुछ कचरा दिख जाएगा, जब कोई फ्रेंड आपसे पेंसिल मांगेगा, तो आप उनसे पोलाइटली होके बात करेंगे ना, हाँ। है ना? थैंक यू सो मच, वेरी गुड।